तो गाइस कैसे हो आप सब। आज का दिन बहुत कमाल का है, बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज के दिन सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई थी प्यार किया तो डरना क्या। तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, ओ मेरे दिलदार ओढ़ली चुनरिया। जी हाँ, 27 मार्च सन 1998 को रिलीज हुई थी सलमान खान काजोल स्टारर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। इसके अंदर थे अरबाज खान, ए बोल दिया अब मेरी सुन, और साथ में थे धर्मपाल जी। ये फिल्म रोमांटिक एक्शन फुल ऑन ड्रामा फिल्म थी और इसको डायरेक्ट किया था सलमान खान छोटे भाई, मेरा बॉय, कुछ चीजें करनी पड़ती है कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती, मेरा बॉय यानी सोहेल खान ने। सोहेल खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म के सारे गाने कमाल के थे यार, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था सलमान खान ने, और क्या जोड़ी लगी थी काजोल की सलमान खान की। आज मैं बताऊंगा इसका एक्सपीरियंस, ये फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी। आपको मैं बताऊं, ये फिल्म मैंने भिवंडी में देखी थी और मामू के घर में गया था वहां पर, और ये टॉकीज थी नजराना, यानी ये फिल्म नजराना टॉकीज में देखी थी। भिवंडी में बहुत छोटा था और उसपे मम्मी मम्मी के साथ गया था फिल्म देखने, लेकिन उसमें एक चीज मुझे याद हमेशा थी, वो थी ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए जिंदगी में आना सनम। ये गाना तो लोगों को याद हो, आइकॉनिक गाना है सलमान खान का, बट इसके जितने भी गाने, तुम पर हमें अटके आ रहा, या तो तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, वो अंजलि पे, और क्या नाम है अरबाज खान ने फिल्माया गया था, वो भी गाना कमाल का था। देखा पहली बार तो हो गया तुझ पे फिदा, ये पागल करती है मुझे ये मस्तानी अदा। मतलब जितने गाने फिल्म के थे कमाल थे, सुपर हिट थे, गजब थे, माइंड ब्लोइंग थे। काजोल के साथ सलमान खान की जोड़ी हमें मुझे बहुत ही कमाल की लगी थी, और ये फिल्म के अंदर शायद काजोल और सलमान खान की ये फर्स्ट फिल्म थी, और उसके बाद लास्ट फिल्म थी कुछ कुछ होता को छोड़कर, क्योंकि उसमें सलमान खान का सपोर्टिंग रोल था, बट ये फिल्म उनकी लाइफ की यादगार फिल्मों में से एक है सलमान खान एंड काजोल की। काजोल ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, अरबाज खान उनके भाई बने थे और चाचू बने थे धर्मपाल जी, और धर्मपाल जी ने क्या परफॉर्मेंस दिए थे यार, जबरदस्त दी थी। एंड सल्लू भाई जो अपने कॉलेज की सीन हो, वो कॉमेडी सीन जहां वो डुप्लीकेट लोगों को लेके आते हैं, उसके बाद जो कॉमेडी फनी वेव में होता है जहां संजय का डुप्लीकेट, वो सीन बहुत ही प्यारी थी। एंड मैं एक ही चीज कहूंगा यार, ये फिल्म दिल के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि ये फिल्म मैंने अपनी माँ के साथ देखी थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा करीब है मेरे। और सलमान खान यार मैं क्या बताऊं यार, सलमान खान के फादर का रोल किरण कुमार ने निभाया, उनसे एक हमेशा शिकायत रहती है, डैडी आपने हर काम हमेशा अधूरा छोड़ा है, लेकिन लास्ट में वो काम पूरा कर देते हैं। बहरहाल फिल्म में परफॉर्मेंस की बात करें तो अरबाज खान का इसमें समझ लो कि कैरियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। मतलब जिस भौकाल से अरबाज खान को दिखाया गया था, बड़े भैया ए बोल दिया, मतलब आप जो उनकी एंट्री होती है, जब उनका लुक सामने आता ना, खतरनाक डेंजर आता है, मतलब प्रेजेंटेशन की जबरदस्त थी इस फिल्म के अंदर। मेरे ख्याल से उसके बाद कोई फिल्म ऐसी दिखाई गई होगी, उसके बाद जितने लोगों जो जो भी कैरेक्टर छोटा मोटा जो भी था, वो एक नंबर जबरदस्त। अशोक शराफ भी इसके अंदर थे, जो जितनी भी उनकी कॉमेडी थी, ए बिल्लू ज्यादा ना हिल्लू, वो भी कमाल था, मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी भी थी। धर्मपाल जी के बारे में क्या कहना, वो लेजेंड एक्टर है, एंड सलमान खान का जो आउटस्टैंडिंग है, सुपर थी और जबरदस्त। और इसकी आपको मुझे ये भी याद है, इस फिल्म को मैं जब देख रहा था उस वक्त एक गाना और चला था, इसी फिल्म इंटरवल में एक गाना दिखाया गया था, फिल्म का नाम था दूल्हे राजा अखियों से गोली मारे, क्योंकि इसके बाद शायद जून में या मई में रिलीज होने वाली थी, उसे गोविंदा की चढ़ी मार गई थी। बहरहाल प्यार क्या डरना क्या बहुत ही कमाल थी, जबरदस्त थी। आप लोग अपना बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इस फिल्म के साथ, और आपको ये फिल्म कैसी लगती है, सलमान खान काजोल की जोड़ी आपको कैसी लगी थी, एंड बोल दिया आपने अरबाज भाई कैसे थे आपको, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मतलब एवर ग्रीन फिल्में दी हैं यार, एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं सलमान खान ने अपने करियर में, मतलब उसमें से एक फिल्म आती है प्यार किया तो डरना क्या।